फिलहाल भिवानी जिले के कलिंगा गांव में और एक दुखद खबर आई है कि 1500 रुपये का कुछ लेन देन का मामला था, जिसके चलते के नौजवान लड़के की हत्या कर दी। गांव के लड़के बताए जा रहे हैं तो पूरा के कुछ मामला आज इस परिवार में के दुख की घड़ी है, पूरा मातम छा हुआ है और पुलिस की तरफ तक के कुछ कार्रवाई रही है। और बात करा तो आज देखा जाओ हर रोज इस तरह की घटना, इस तरह के मामले आए हैं तो पुलिस के कुछ काम कर रही है। अगर पुलिस का खौफ होता, डर होता तो इस तरह के मामले इतने नहीं होते, लेकिन ये मामले जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इस मामले में पुलिस ने के कुछ कार्रवाई करी है और कौन थे वो जो इतनी हिम्मत करके घर आके भी मार के गए हैं, तो सारी बातचीत जो परिवार तक रहे हैं, परिवार हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम जी आपका? मेरा नाम जय प्रवेश है जी। उस लड़के का क्या नाम था जी और क्या मामला था पूरा, जो इस तरह का जो इतना बड़ा अंजाम उन लड़कियों ने घर आके दिया है? लड़के का नाम नवीन था जी, वो 14 तारीख को यहाँ पे गांव में आया था। तो उसका जो विवाद जो हुआ, जो हमें पता चला है कि किसी मोबाइल को लेकर 1500 रुपया कोई लेन देन था, जिससे उनका झगड़ा बढ़ा है। बढ़ने के बाद उन्होंने ज़्यादा चोटें मारी हैं, चोटें इतनी ज़्यादा थी कि वो 2 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। ये हादसा हमारे साथ हुआ है जी। तो उनका दोस्ती थी उनसे, किस तरह का उनसे किस तरह का? हाँ, इकट्ठे उठने बैठने वाले बच्चे थे साथ में, उनके हम उम्र बच्चे थे। तो विवाद को चलते हुए उनका झगड़ा, हमारे झगड़े की वजह से इतना हो गया कि चोटें ज़्यादा होगी, अंदरूनी चोटें जो आई है उनको ज़्यादा आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकी चीज़ें क्लियरिटी आ जाएगी कि कितनी ज़्यादा चोटें थी। वैसे हमने पूछा था तो उसको पासू में यहाँ पे सुए लगे हुए थे, जो बर्फ़ बर्फ़ जो काटते ना, जिससे हम इस तरह की नकुली चीज़ों से उसको 3-4 जो घाव थे वो थे, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी थी वो डैमेज थी और काफ़ी चोटें थी, शोल्डर पे थी काफ़ी, मतलब अंदर जख्मी ज़्यादा हो गया था वो, जिस वजह से वो ज़्यादा लंबा समय नहीं जी पाया। तो नवीन की उम्र कितनी थी? 29 साल की उम्र थी जी लड़के की। और जो लड़के हैं जी, जो बताया जा रहा है कि साथ के दोस्त गांव के ही थे या फिर आसपास? गांव के थे जी, गांव के लड़के थे, आसपास के ही हमारे ही, मतलब गांव के रहने वाले थे तीनों बच्चे वो भी। तो जिनसे ये हादसा हुआ, जिन्होंने चोटें मारी थी, तो शाम को 6:30 बजे के आसपास का जो मसला हुआ था, उनका झगड़ा हुआ था, 7:15 बजे, मतलब ज़्यादा चोटें थी उसको, तो फिर यहाँ घर ले आए उसको। घर लाने के बाद उसको देखा तो उसको भाई उल्टी उल्टी भी हो रही थी, नींबू पानी भरा। कई बार क्या होता है ना, आदमी ये सोचता है कि चोटें बाहर की ना दिखे तो अंदर की पता नहीं चलती। तो फिर उसके पिताजी बाहर रहते थे सापला डेली, मतलब राजमिस्त्री का काम करते हो, तो वो आए तब उन्होंने देखा, तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया रास्ते में। फिर अगले दिन पोस्टमार्टम वगैरह हो गया, 18 तारीख को 4 बजे के 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तो ये वाला हादसा हमारे साथ हुआ इस परिवार के साथ, जवान लड़का था, बड़ा भाई का लड़का है जिसके साथ ये चीज़ हुई। क्या घर पे बुलाने आए थे जी, फ़ोन करके बुला दें? घर से यहाँ से बुलाए हैं, बुला जाए कुछ काम है तुम्हारे से। हाँ, तो ऐसे बच्चे आपस में बुलाते रहते हैं, तो विवाद ने तो हमारे को किसी चीज़ के पहले अवगत कराया, न उन बच्चों की तरफ से न उसके परिवार की तरफ से किसी चीज़ को हमारे को अवगत कराया, ये झगड़ा है ये मसला, कोई मतलब तो पहले पता हो जी परिवार में किस तरह का इनका आपस में झगड़ा चल रहा है? पहले तो कोई था ही नहीं जी किसी तरह कोई विवाद, हमारे तो कोई अपडेट था ही नहीं किसी चीज़ का। डेली का वही रूटीन, बच्चे आते थे, मिलना जुलना, खाना पीना, जो चीज़ें नॉर्मली बच्चों की चलती है। हमारे को ऐसा कोई किसी परिवार का या किसी तीसरे आदमी से कोई अपडेट हमें नहीं मिला कि इस तरह का कोई हादसा हुआ। ये भी बताऊँ जी कि वहाँ पीटने के बाद घर पे भी आए मारने के लिए? घर पे भी आए हैं, घर पे भी धमकी दी। हमारे भाभी थी वो और ताऊ जी थे जो 85 ईयर्स के हैं, तो उनके सामने भी उन्होंने मारा है, धमकी भी दी है। सब मजबूर आदमी हाथ पैर जोड़ के सोचा पीछा छुटवा दे, पैसे की बात करी उन्होंने तो पैसे बोल दिए गए थे कि सुबह आप ले सकते हो आपके या इनके पिताजी शाम को आ जाएंगे 9:30 बजे के आसपास, तब ले जाना। कोई परिवार तो इतना ही कर सकता है कि कोई मांगता तो दे देगा, चाहे वो गलत है या नहीं है या उसके देने हैं कि नहीं देने। जब लड़ाई तक बात चलती है आदमी सोचता है जब 1500 का मैटर तो ख़त्म करो। तो उन चीज़ों पर इन्होंने एग्री किया भी, हम पैसे देने के लिए तैयार है, हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर तुम मांगते हो तो अच्छा था। ये तीन बच्चे वो थे सर, इन चारों बच्चों का आपस में फिर झगड़ा हुआ है, जिसके विवाद बढ़ गया, बढ़ने की वजह ज़्यादा चोटें आई, चोटें ज़्यादा आने की वजह से फिर वो दम तोड़ गया। तो बुला के कहाँ पर ले गए थे, गाँव में या कहीं बाहर लेकर गए थे? गांव में ही थे जी, पिछली गली में दुकान के पास थे वो, जहाँ पे मोबाइल का, हाँ मेन गली में, वहाँ पे भी गली में मारा है उसको, उसके बाद यहाँ भी मारा है, कुछ जहाँ एक आधी जगह और मारा होगा जो हमारे को अपडेट नहीं है अभी तक, क्योंकि ज़्यादातर कैमरे वैमरे गांव में होते नहीं है, चाहे चीज़ें हम चेक कर ले। एक गली में था तो उसका DPR बंद था, वो भी हम चेक नहीं कर पाए, उसकी चीज़ें हरकतें क्लियर हो जाती। तो पिटाई तो उसकी हुई है जी बहुत ज़्यादा, बाकी MLR रिपोर्ट हुई थी रात को ही, उसी टाइम पुलिस हरकत में आई तो पुलिस ने उनको तीनों को रात को अरेस्ट कर लिया। जैसे चोट लगी जी यहाँ पर लेके आए तो वहाँ ये कुछ बताया जी उन्होंने कि किस बात को लेकर झगड़ा है क्या कुछ? लड़के ने उनके जो पैर, जो मम्मी थी, भाई था छोटा, तो ये बाद में आ गया था लड़का भी,
तो उसको बताया था, बच्चों के नाम बता दिए थे, ये तीन बच्चे जिन्होंने उसको चोटें मारी, क्योंकि जब तक वो बोल पा रहा था उल्टियाँ भी हो पा रही थी उसको, और वो उससे पूछ रहे थे भी क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ है कि ये तीन लोगों ने मेरे को चोट मारी, मुझे बचा लो मुझे बचा लो। मतलब आदमी अंतरात्मा दर्द करती है या चोट का दर्द है। अब उसको उल्टी करने का कारण क्या था, कुछ पिलाया खिलाया, देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने न होते हुए हम किसी को बोल नहीं सकते। बाकी चीज़ तो रिपोर्ट जो आएगी उसकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो चीज़ें सारी क्लियरिटी कर देगी, क्या उसका पहले डैमेज हुआ, कहाँ चोटें आई, हड्डियाँ टूटी, पासू टूटी, क्या टूटा, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर होगी। बोर्ड की उसकी रिपोर्ट है वो आ जाएगी, महीना 20 दिन का जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, वो आने के बाद ही चीज़ें सारी क्लियर कर पाएंगे जी। हम अपनी तरफ से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं अब ये चीज़ों के नुकसान में। तो पुलिस की तरफ से जी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? पुलिस ने अपना काम सही किया जी, अभी तक जो हम जानकारी ली है, मैंने बात भी की थी SHO से, तो SHO बोला जी देखो जी हमारे को तीन बच्चों के नाम थे, हमने उसी टाइम अरेस्ट कर लिया और हमने उनको जेल भेज दिया मजिस्ट्रेट को पेश करके। आगे कार्रवाई जो रिपोर्ट आएगी जो है, बाकी जो प्रोसेस न्यायपालिका करती है, तो जितना प्रोसीजर उसमें लगता है वो लगेगा जी। हम तो यही मांग करते हैं कि जिस घर का चिराग गया उस परिवार को, उस घर को न्याय मिले और उस परिवार को हिम्मत दे भगवान किसी तरह से, किसी वजह से, और वो घर चला सके अपना। उनके खिलाफ़ किस तरह की कार्रवाई चाहिए है? क्योंकि जी आज इस गांव में बहुत सी ऐसे मामले देखने में मिला जो पुलिस का डर नहीं रह रहा, जो गलत काम करने से डरा है, एक डर होना चाहिए पुलिस का। तो क्या कार्रवाई चाहो कि आगे इस तरह का कोई भी करने से पहले डरा है? पुलिस सख्त कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उनको सख्त सज़ा मिले, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये पता चले कि ऐसे कर्म करने से ऐसी ज़िंदगी ख़राब होती है, ऐसे समय ख़राब होता है, ऐसे परिवार ख़राब होते हैं। तो वो चीज़ें लोगों को दिमाग में जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को ये आएगा भी तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारे को नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी भी ख़राब होगी, और जिनके साथ ये हादसे होते हैं उनकी तो ख़राब होती होती है, तो उनके रास्ते ही बंद हो जाते हैं, घर ही बंद हो जाते हैं उनके। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं न्यायपालिका से, अब भी जायज़ जो न्याय मिलता है वो मिलना चाहिए, और जो इस कर्म की जो सज़ा बनाई है हमारी न्यायपालिका ने वो उसको दी जाए। तो परिवार में कौन कौन है जिन्हें? परिवार में जी इनके पिताजी हैं, इनके दादाजी हैं लड़के के, उसकी मम्मी है, उसका भाई है, और बाकी चाचा ताऊ हैं, सभी परिवार में तो हैं। आप क्या लगो जी नवीन के? नवीन का चाचा लग रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाहो जो इस तरह से है, जो गांव के लड़कियां ने की हत्या कर दिया नवीन की, जो एक साथ ही रह रहे दोस्त थे उनके? दोस्त के ये तो दुश्मन थे जी, दुश्मन से भी बड़ा काम कर दिया। एक 1500 रुपये के ऊपर एक इंसान की जान ले ली। वो बीच में तो फोन वाला तो निकल गया, और ये तीन बंदों को ये कानून उठा ले गया। वो फोन वाला भी तो पकड़ा जाए ना, उससे भी तो ये पूछी जाएगी भाई 1500 रुपये के ऊपर ये क्या किया। जो भी ये दुष्व्यवहार किया है उनको कड़े तकड़ी सजा दिलाई जाए, और सरकार हमारी सुनाई करे। गांव का मामला है, गांव में तनाव तो नहीं आपस में जो पक्ष दूसरा? अभी हमारा इस गांव में ऐसा कोई किसी के साथ तनाव नहीं है, और जिस परिवार के वो बच्चे थे उनके साथ भी हमारा कोई तनाव नहीं किसी तरह का। तो और हम नहीं करना चाहते किसी चीज़ के मैटर पर, जो हो गया उस पर न्यायपालिका फैसला करे, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। ये क्राइम अगर वो खुद ही कर दिया तो ये क्राइम ही हुआ ना, नुकसान उनको भी हो गया, हम भी सेम ऐसे ही काम करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, भरोसा उठ जाएगा न्याय पर लोगों को। संविधान भी तो कोई चीज़ होती है जिसके अंतर्गत सभी बिरादरियाँ, सभी धर्म, सभी चीज़ें काम करती हैं। तो पुलिस प्रशासन अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, और गरीब परिवार को न्याय दिलाए, ये सबसे बड़ी चीज़ हम तो यही उम्मीद करते हैं। बाकी भगवान ने हमारे साथ जो लिख दी जिस तरीके से, उस चीज़ को हम तो कुछ टाल नहीं सकते जी। जो हो गया हादसा वो तो वापिस आने से रहा। तो आज 13वीं कर लीजिए? हाँ, आज उसकी 13वीं थी। जवान बच्चा था, ज़्यादा लंबे दिन नहीं खींच पाए, क्योंकि लेडीज़ों को और किसी को संभालना बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, कल गर्मी का टाइम है, कुछ और बड़ी चीज़ें ना हो। क्योंकि जी एक माँ पर सहन नहीं होना जिस तरह से एक जवान बेटा बार बार बेहोश हो जाती है, हमारी जो भाभी है बार बार बेहोश हो जाती है, दिक्कत है। क्योंकि कहीं भी जिक्र होता है या दूसरी लेडीज आती हैं तो एक दूसरे का जो अंदर से जो चीज़ें निकलती है, चिराग तो चिराग होता है जी। 9 महीने उसने पेट में रखा है और पाला पोषा है, 29 साल का बच्चा कर दिया, एक उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में कोई सहारा बनेगा, वो सहारा चला जाए तो लाठी टूट जाती है सारे की। टूटने के बाद जो नुकसान होता है जी, वो तो माँ सबसे बड़ा जानती है। बाप तो कहीं ना कहीं समाज में रह के चीज़ें समझ जाता है, क्योंकि माँ तो चार दीवारी के अंदर ही रहती है,
बाहर कहाँ जाएगी, बाप तो भाइयों में बैठ जाएगा और कहीं बैठ जाएगा, तो मन को कहीं ना कहीं आदमी थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस कर सकता है, लेकिन माँ तो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। और जवान बच्चा जिसका चला जाए तो मर्ज बैठ जाए जी, जवान बच्चा जिसका चला जाता है जी, वहाँ की हिम्मत ही होती है जो हौसला बढ़ता है। और भगवान से हम दुआ करते हैं ताकि हिम्मत दे इन चीज़ों को, ताकि ज़िंदगी बहुत लंबी है, सुख दुख तो किस्मत के होते हैं, जो लिखा उसको कौन काट सकता है, जिसने जो कर्म किया उसको न्यायपालिका सजा दे। तो क्या कुछ किया उनको यही सजा मिलनी चाहिए ताकि औरा का भी डर हो इस चीज़। वही तो मैं आपको बताया जी, पुलिस प्रशासन अपना अपने तरीके से काम करे, भविष्य में ऐसी चीज़ें गांव में ना हो, न्यायपालिका सजा ऐसी दे कि दूसरा आदमी सोचे, जिसको सुनने में आया कि भी ऐसी सज़ा मिलती है तो दोबारा ऐसा कुछ करे नहीं कोई आदमी। तो लोगों के मन में एक ऐसा डर हो कि भी ऐसे कर्म करने से ऐसी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं, ऐसे परिवार खराब होते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा एक लोगों के पास एक जाना चाहिए मैसेज कि भी ऐसा हुआ तो इसका जो परिणाम है इसका ये हो सकता है, बाकी परिवार को ये परिणाम हो सकता है या उन बच्चों को ये परिणाम हो सकता है जिन्होंने ये हादसा किया है। हम तो यही न्यायपालिका से और मीडिया को धन्यवाद कहूँगा जी, हमारी आवाज़ें ऊपर तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गरीब समाज से जुड़े हुए हैं तो यही जो एक हमारा मेन स्तंभ होता है जिसकी वजह से हम अपनी बातें रख सकते हैं। मीडिया के जाने जो हर न्यायपालिका भी सुनती है, पुलिस भी सुनती है, जो सोशल वर्कर हैं वो भी सुनते हैं, बहुत से समाज के लोग हैं इससे बहुत कुछ चीज़ों पे काम करती हैं, सुनते हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो काम करती है इस चीज़ पे, और लोगों को गरीब लोगों के विचारों को सुन के, उनके दुख दर्द को सुन के न्यायपालिका तक जाती है। जी बिल्कुल, जो पीड़ित है जी हमारा फर्ज है सुनना और उनकी समस्या को आगे पहुँचाना ताकि उनको न्याय मिल सके और पता चले कि हाँ इस ये सही है या गलत है।